पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में बैकफुट पर योगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष को मिल गया बड़ा मुद्दा। अभ्यर्थियों के हंगामे से डर गई भाजपा, डैमेज कंट्रोल में जुटी। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती को किया रद्द, दोबारा होगी परीक्षा। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की भर्ती के लिए सबसे बड़ी लिखित परीक्षा काफी विवादों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दी है। 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन उससे पहले परीक्षा में धावा बोलने वाले लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने दोषियों की पहचान की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी। आज हम उन कारणों को बताएंगे जिनकी वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। पहला कारण, परीक्षा खत्म होने से पहले ही पेपर हो गया था वायरल। सिपाही भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित होनी थी। पहले दिन पहली पाली में परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर कुछ प्रश्न पत्र और आंसर की वायरल होने लगी। पुलिस अधिकारी इसे फेक बताकर नकारते रहे। जो प्रश्न पत्र पहले दिन पहली पाली में वायरल हुआ वह दूसरी पाली के प्रश्न पत्र से काफी मिलता जुलता था। इसी तरह से दूसरे दिन शाम की पाली में प्रश्न पत्र वायरल हुआ, जिसके चलते पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। कारण नंबर 2, छात्रों का बढ़ता हुआ गुस्सा। परीक्षा निरस्त होने की दूसरी वजह ये थी कि अभ्यर्थियों की एकजुटता साथ देखी गई। प्रदेश के कई हिस्सों में पेपर लीक के आरोप को लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की आंच लखनऊ तक पहुंच गई, जिससे परीक्षा को निरस्त करने पर दबाव बढ़ने लगा। कारण नंबर 3, चुनाव से पहले विपक्ष का दबाव। सरकार को परीक्षा निरस्त कराने का दबाव तब और बढ़ गया जब विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और नेता अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगे। लोकसभा चुनाव में परीक्षा कहीं मुद्दा न बन जाए, इस वजह से सरकार ने परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया। कारण नंबर 4, जांच में सामने आई गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के अगले ही दिन पेपर लीक समेत कई कमियों की जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी का गठन किया। साथ ही अभ्यर्थियों से पेपर लीक के संबंध में प्रत्यावेदन मांगे थे। बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन व साक्ष्य बोर्ड को भेजे गए, जिन्हें जांच में सही पाया गया। कारण नंबर 5, वायरल पेपर सही थे। पेपर शुरू होने से पहले वायरल हुए प्रश्न पत्रों का परीक्षा स्थल पर बांटे गए प्रश्न पत्रों से मिलान होने पर परीक्षा निरस्त होने की बड़ी वजह माना गया है। परीक्षा में 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। ऐसे में इनके आक्रोश का बेहद असर रहा, जिसकी वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। इस खबर में इतना ही। वैसे इस परीक्षा को निरस्त होने और पेपर लीक के मामले को तूल पकड़ने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।